क्या ये सर, आपने किरण के केस की ठीक से तहकीकात की भी थी कि नहीं? वो सर इन्वेस्टिगेशन तो किया था और कुछ सस्पेक्ट भी पकड़े थे, लेकिन सर कुछ पक्का पता नहीं चल पाया। ये तरीका आपके तहकीकात करने का है? ये फोटो में देखिए, ये फोटो में उसने गहने पहने हुए हैं, चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट। ना तो आपको बॉडी के ऊपर पहने हुए गहने के बारे में कुछ पता चला है, ना उस सूटकेस के बारे में पता चला जिसमें इसकी बॉडी मिली थी। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सर क्या है ना, वो क्या, ये क्या? अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आप प्लीज जाइए यहाँ से। सॉरी सर। हाई प्रोफाइल केस है, जल्द से जल्द क्रैक करना पड़ेगा। यार ये दिशा और किरण, ये दोनों एक ही स्कूल में परफॉर्म करने गए थे और इनकी बॉडी बाहर मिली। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि परफॉर्मेंस चल रहा था, इतने सारे लोग वहां पे थे, किसी ने भी उन्हें बाहर जाते नहीं देखा, या किसी ने भी उनकी बॉडी को बाहर ले जाते नहीं देखा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों लड़कियां छुप कर बाहर निकली हों। मगर दिशा के कपड़े तो ग्रीन रूम में ही थे, इन दोनों की जो बॉडी मिली थी उनके ऊपर वही परफॉर्मेंस वाले कपड़े थे। अगर अपनी मर्जी से जाती तो शायद कपड़े बदल के जाती। किरण को मरे भी एक साल हो गए सर, ना तो वो गहने मिले और ना ही सूटकेस का कोई क्लू मिला है। ये तो है यार। नक्शी, तुम उस सूटकेस के बारे में पता करो जिसमें उसकी बॉडी मिली थी। अब इतने टाइम के बाद वो गहने के मिलेंगे कि नहीं वो तो कहना मुश्किल है। ये दिशा किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी। जैक, दिशा की सारी कॉल रिकॉर्ड चाहिए, दिशा के भी और किरण के भी। इस केस की तफ्तीश हमें नए सिरे से करनी पड़ेगी। इन दोनों मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन लग रहा है मुझे। ये दोनों लड़कियां एक ही डांस टीचर से डांस सीखने जाती थी। एक काम करो हनुमान, तुम इस डांस टीचर से मिलो और मैं स्कूल में जाके देखता हूँ। हरी अप। लोग दिशा दीदी और किरण दीदी के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। आप लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या? आप लोग किससे पूछकर अंदर आए? आप वो सब छोड़ो, दिशा को कैसे जानते हो? दिशा, दिशा, मैंने बोला ना मुझे नहीं जानते। अरे, चलो, बेटा आप लोग तो आप भी बोल नहीं सकते। बोलने का काम हम करते हैं। अच्छा, आप दोनों में से किसी ने परफॉर्मेंस वाले दिन दिशा जी को बाहर जाते हुए देखा था स्कूल के? हमें कुछ नहीं पता सर, अखिलेश भैया जी भी आए थे, वो हमारे इनको पीट के चले गए, हमें सच में कुछ नहीं पता। किसी बाहर वाले को आते जाते देखा उस दिन, किसी अनजान आदमी को आप लोगों ने? प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? थैंक यू सर। यहाँ तो इन सब के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है यही हुआ है। दिशा के परफॉर्मेंस वाले दिन स्कूल में क्या हुआ था? मैंने आपको कितनी बार बोला, मैंने आपको सब बता दिया था, मैं वहाँ से आ गई थी। वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग जाने का बोल रही थी, बस मुझे इतना ही पता है। कौन से फ्रेंड? वो मुझे क्या पता, पर मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नाक नहीं घुसाती हूँ। सर हम लोग को सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे थे।
और उसने कहा भी था गुरुजी से कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाली है। सर इस स्कूल में कुछ नहीं हुआ है और हम लोग आपके साथ पूरा कोऑपरेट भी करेंगे, लेकिन सर इस तरह यहाँ आपके बार बार आने से बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। एक बात पूछूं आपसे, ये बताइए आप सिंगल हैं क्या? जितना पूछा जाए ना बस उतना ही जवाब देना। पूछिए ना, आपका हर सवाल का जवाब हाँ में ही होगा। निशा के परफॉर्मेंस वाले दिन उसे स्कूल तू ही लेकर गया था ना? हाँ हाँ। वापस साथ में तू ही लेके आने वाला था। हाँ। तो तू जानता किसने मारा? हाँ। ओ ना ना पापा, वो तो मैं नहीं जानती। हाँ, पर एक बात जानती हूँ, मैं भी सिंगल हूँ। आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरी रातों की नींद उड़ा दे, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। एक उल्टे हाथ का थप्पड़ ऐसे खींच के मारूंगा ना, तेरा प्यार का ये सारा बुखार यही उतर जाएगा। मुझे थप्पड़ से दर्द नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शंभू जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप बात करिए। क्या अंकल जी, आप हमारी शादी करवाएंगे क्या? अंकल किसको बोलती है? मैं अंकल दिखता हूँ तुमको? अजय, ओए माँ, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ था उस दिन? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब बता दिया आपको। छोड़िए, ठीक है ठीक है, फिलहाल तुम्हें जाने दे रहे समझा, पर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। जाओगी, जाओ। शंभू जी इस पर नजर रखिए। वो जगह जहाँ पे एक साल पहले किरण की लाश मिली थी। सर अभी तक किरण और दिशा के केस में हमें कुछ हाथ नहीं लगा। हाँ सर। सर मैंने दिशा और किरण इन दोनों की कॉल डिटेल्स चेक करी। किरण की जो कॉल डिटेल्स है वो नॉर्मल थी, लाइक उसका कोई ऐसा अफेयर वाला मैटर नहीं लगा। लेकिन हाँ सर, ये दिशा अपनी नहीं अपने फ्रेंड के साथ जाने वाली थी। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता। अमन सर, दोनों लेट नाइट तक कॉल पर बहुत सारी बातें किया करते थे, एंड उस दिन इस अमन की मोबाइल की जो लोकेशन है वो भी इसी एरिया की। जरा इस अमन का एड्रेस निकलवा। एंड हाँ सर, इस दिशा का मोबाइल किसी सीतापुर एरिया के आसपास करीब 8 घंटे के बाद बंद हुआ। उसकी बॉडी मिलने के बाद तक वो मोबाइल ऑन। ओके, गुड जॉब जैक। थैंक यू सर। सीतापुर एरिया में चेक करो, दिशा का मोबाइल वहीं आखिरी बार लोकेट हुआ। लेकिन सर वो शहर से काफी बाहर है और बहुत जंगल है। जितना टाइम लेना ले लो, मुझे मोबाइल चाहिए। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बेटा तू साथ में नहीं है तो माँ बाप कैसे होंगे? बेटे की तो यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। और रही बात दूरी की अम्मी, तो मैंने सुना है कि दूर रहने से रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। बेटा तू इस पर नहीं आया, नए साल पर तो आएगा ना? आऊंगा अम्मी, जरूर आऊंगा। वादा करता है? वादा तो हम अपनी सांसों के भी नहीं कर सकते अम्मी, आपसे क्या बताएं? बेटा बहुत दिन हो गए, अब तो आ जा। सर, ये अम्मी एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, खुदा हाफिज। सर ये मोबाइल चार्ज किया है, दिशा का मोबाइल है, इसमें कुछ फोटोज। तो ये अमन है? यस सर। तो सी ग्रीन रूम की फोटो है, मतलब ये था उस दिन दिशा के साथ। एड्रेस का क्या हुआ इसका? मिल गया। गुड जॉब।
अरे भाई सुनो। हाँ जी। ये अमन का घर है ना? हाँ जी। कहाँ है मालूम है? सर रहता तो यही है पर पता नहीं अभी कहाँ गया होगा। लीजिए आ गया सर। पकड़ो उसे। मैंने नहीं मारा। तो भाग क्यों रहा था फिर? मुझे दिशा के मौत के बारे में पता चला तो मैं बहुत डर गया था सर। झूठ बोल रहा है? तुम्हारे मोबाइल फोन के लोकेशन के हिसाब से तुम उस दिन स्कूल में ही थे। ये उसी दिन की फोटो है ना? हाँ सर, ये फोटो उसी दिन की है और मैं वहां था। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अरे पापा, तुम्हारा परफॉर्मेंस था, मैं कैसे मिस कर देता। वैसे तुम्हारा डांस बहुत अच्छा था और तुम बहुत प्यारी भी लग रही थी। छोड़ो ना। अरे ना। तो बुलाओ पापा गाज को। चलो बुलाओ। डरता हूँ क्या मैं किसी से? अच्छा, डरते तो हो वैसे तुम। वैसे काम करो तुम, अभी जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें मार्केट में मिलूंगी। अरे पर मैं अपनी बाइक से आया हूँ और तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। अच्छा तो एक काम करो, तुम बाहर वेट करो, मैं ना गाज को चकमा दे के आती हूँ। ठीक है, जाओ। अच्छा एक सेल्फी ले लूँ क्या इस कॉस्ट्यूम में? सर मैं बाहर वेट करता रहा लेकिन दिशा नहीं आई। सर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर। अच्छा ले चलो इन्हें। चलो बेटा। सर नहीं सर, सर नहीं सर। ओए माँ, कहाँ भाग रही हो छम्मक छल्लो? कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो ना। अरे घर में लॉक लगा के भाग रही थी। भाग रहा। ये जवान औरत को ऐसे परेशान करते हैं, उतारो मुझे। ओए, ओए माँ। शंभू जी आप मारिए ने, हम हाथ में लगाएंगे। मैं? शंभू जी क्या बात करते हो बाबू, आपको नहीं पता हमारे अंदर आपके लिए कैसी फीलिंग है। अगर सर से इतना ही प्यार है तो भी सर को छोड़ के भाग क्यों रही थी? मेरा मतलब है भाग क्यों रहा था? सर को छोड़ के कौन जाता है, वो तो इनके लिए बैंकॉक जा रही थी। बैंकॉक किस लिए? बोलते हैं वहाँ ऑपरेशन करा के लड़के को लड़की बना देते। वैसे तो बहुत चाहने वाले हैं मेरे, लेकिन जब से आपको देखा है ना मुझे ऐसा लगता है मेरा जो राजकुमार था ना वो आप ही हो। हम आपको नहीं छोड़ सकते, हमारा दिल धक 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 होने लगता है और ऐसा लगता है कभी अखियां चुराऊं कभी अखियां मिलाऊं। क्या नहीं हाथ पर लगा अखियों में ना रिया को सा दूंगा मैं, वो भी गरम वाला। ओए मां ऐसा गुस्सा हमसे
पाऊ ना। ले जाओ इसे। आई आई आओ जाओ। बहुत पहुंची हुई माया ये, इसकी पूरी पूरी कुंडली निकालो। सर इस राधे से तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सर यप, ये है स्कूल का ब्लूप्रिंट। वैसे बाय द वे आप सभी लोग कंफ्यूज थे ना कि स्कूल से जो है दो लड़कियां गायब हो गई एंड किसी को पता भी नहीं चला, और उसका मेन रीजन है ये कि सर वहां एक गुप्त दरवाजा जो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस से होते हुए रोड पे निकलता है, और वो है ये। प्रिंसिपल ने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? ये बात तो प्रिंसिपल साहब ही बताएंगे।